The half-life of a radioactive nucleide is 20 hours. तो गिवन डेटा लिखो, हाफ लाइफ कितनी है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर की, 20 आवर्स, नोट डाउन कर लिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर्स, सो कितना फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर रह जाएगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो कितना न्यूक्लियर रह जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर रह जाएगा 40 आवर्स के बाद में। तो 20 आवर्स में तो आधा चला गया, तो अगले 20 आवर्स में कितना जाएगा ये मुझे पता लगाना है। तो देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट वे से करूं फॉर्मूला लगा के, तो वो होगा, ये मेरे पास गिवन डेटा है, टी हाफ दिया है मुझे, टी दिया है मुझे, फ्रैक्शन का मतलब एक्टिविटी, ओरिजिनल एक्टिविटी कितनी रह जाएगी उसकी, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी, तो दैट इज़ ए बाय ए नॉट। अब ए फॉर्मूला जो होता है वो ये है मेरे पास, ए इज़ इक्वल्स टू ए नॉट वन टू वन बाई टू टू द पावर एन। एन क्या होता है मेरा, एन होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ हाफ लाइफ एंड हाफ लाइफ इज टी इज इक्वल्स टू टी हाफ इन टू एन। अब आप क्या करोगे, एन की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, टी हाफ बाय स्मॉल टी, एन की जगह, एन की जगह, सो टी बाय टी हाफ जो वैल्यू पुट करोगे, अब टी बाय टी हाफ वैल्यू होगी एन की, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एन की जगह। टी भी दिया है मेरे को 40 आवर्स, टी हाफ भी दिया है 20 आवर्स, तो 0 0 कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, सो 1 बाई 2 टू द पावर 2 आ गया, तो ए बाय ए नॉट कितना आ गया मेरे पास, 1 बाय 4। सो ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बाय ए नॉट 1 बाय 4, यानी कि 1/4 एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर्स। तो जो एक्टिविटी हो रही है शुरू में उसकी 1/4 रह जाएगी 40 घंटों के बाद।